हम तो आनंद ले रहे हैं इसका, बहुत खुशी हुई है। जून महीने में हमारी 45 साल की लाइफ में पहली बार नदी के अंदर पानी देखा है, बाकी जून महीने में नदी में पानी लूनी नदी में हमने देखा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सफी खान, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरू गंगा करीबन 4 सालों के बाद यहाँ पे जसोल में भी प्रवेश कर चुकी है और बालोतरा से इधर आ रही। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे मरू गंगा आई हुई है और कई लोग जो है उत्साहित हैं और देखने के लिए उनकी भीड़ उमड़ी हुई। देख कैमरा मैन दिखाई, उधर करिए कैमरा, ये दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोग बहुत उत्साहित हैं और लोग नदी को यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नदी यहाँ पे बहती हुई नज़र आ रही है, जिसपे ये बहुत सारा तकरीबन 1 से 1.5 फुट यहाँ पे पानी बहने का अनुमानित नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ये नदी बह रही है और लोग बहुत उत्साहित हैं। और आप देख सकते हैं कि ये रास्ता भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर पानी बह रहा है और यहाँ पुल नहीं होने के कारण इसको रास्ते को बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है, ताकि यहाँ पे लोग बहुत आते हैं और भीड़ रहती है, भीड़ की वजह से यहाँ पे कोई लोग आगे ना जाए, इसलिए यहाँ पे प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग आए हुए। हम कई उन लोगों से भी जानेंगे, वो 4 सालों से नदी आई है और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएँ रहती हैं। बहुत सालों से सर नदी आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत खुशी की बात है। हेलो, नदी आई तो बहुत खुशी की बात है। आज बहुत टाइम में 60 साल से नदी आई हुई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि नज़दीक कुएँ हैं जिसका जल स्तर बढ़ने की संभावना रहती है? नदी का कुआ है वो तो रेत से बुरा हुआ है। आसपास जो कुआ है किसानों में, तो वो तो आसपास है, तो मीठा पानी की संभावना है। धन्यवाद। और भी कई लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर, 4 सालों से नदी आई है आप पे, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? राजू भाई से नहीं, पानी आने से एक बार नदी की सफाई भी हो जाएगी और जो खड्डे वगैरह थे वो सब मट्टी आने से एकदम बराबर हो जाएगा। और पानी तो पीछे और आ रहा है, पानी का बहाव भी तेज है। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, पंचायत की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है, ताकि लोग नज़दीक तक नहीं जा सके। और बाकी तो पानी पीछे से और आ रहा है। क्या संभावना क्या है, रात को और भी पानी बढ़ने की संभावना है? पानी की गति के हिसाब से तो लग रहा है और पानी आ रहा है, पीछे बढ़ेगा पानी तो। बाकी तो पीछे से सुना ही तो ये दे रहा है पानी और आ रहा है पीछे से। किस प्रकार से किसानों को वगैरह कोई फायदा होगा? पानी से तो फायदा ही होगा, पानी का नीचे जमीन का बहाव भी बढ़ेगा, पानी ऊपर आएगा, खारा पानी जो है वो मीठे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो किसानों के लिए और आमजन के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद है कि जलाने से बहुत अच्छा काम हुआ है, फायदा हुआ है। हाँ, 20 दिन चलेगा तो करीबन 2 साल का फायदा होगा किसान लोगों को। ऐसा नहीं है कि कहीं जो कंपनियां का पानी है यहाँ पे अंदर जा रहा है? हाँ, कंपनियां का पानी तो आ ही नहीं रहा है। क्या नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो तो पानी वो प्लांट के अंदर जा रहा है, प्लांट के अंदर जा रहा है, वो नदी के अंदर नहीं आ रहा है। कितना अभी कितना जल स्तर है यहाँ पे, कोई आपको कोई रिपोर्ट मिली? अब तो रिपोर्ट तो हम तो आके खड़े हुए, अब क्या पता है। आप अभी आए? अभी आए हैं, अब देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। पहले क्या लोग बहुत उत्साहित हैं, क्या बात है देखने के लिए। 4 साल तो ये क्या पानी बहुत लेट आता है इस लूनी नदी में, अब की बार ऐसा लगता है कि नदी जल्दी आई है। जून महीने में हमारी 45 साल की लाइफ में पहली बार नदी के अंदर पानी देखा है, बाकी जून महीने में नदी में पानी लूनी नदी में हमने देखा नहीं अभी तक, इसलिए थोड़ी सी उत्साह ज़्यादा है लोगों में देखने का, उमंग है। आप क्या कहेंगे सर? हम तो आनंद ले रहे हैं इसका, आप बहुत खुशी हुई है। आप स्थानीय हैं? हाँ, जसोल से। धन्यवाद। हमने दोस्तों अलग अलग लोगों से बात की है, दोस्तों देख सकते हैं आप, देखते ही देखते जल स्तर है जो बढ़ गया है। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल स्तर बढ़ा है। और आज के दैनिक भास्कर के अंदर यह था कि बालोतरा के अंदर आज पानी है जो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये पानी आ भी गया है और प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट SKJ TV जसोल तक। धन्यवाद।